अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैंने केक बनाया था रेड वेलवेट, इसके लिए मैंने पूरी रेसिपीज़ की रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने एक कप मैदा लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जेल कलर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था और तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया था। कोको पाउडर जो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था ताकि थोड़ा फ्लेवर भी आए, और अगर जेल कलर हो तो आप वो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा लाइट कलर ऐड किया था इसमें, रेड कलर, तो उसे थोड़ा सा लाइट कलर आया था। खैर ये टेस्ट में बहुत अच्छा बना था और मैंने इसको पिछले से छान के मैंने इसे रख लिया था पहले ही, तो ड्राई इंग्रीडियंट आप मिक्स करके भी रख सकते हैं। फिर मैंने बस इसको जब बीट किया तो मैंने दोनों अंडे ले लिए थे रूम टेम्परेचर पे। आपने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है, फ्लफ़ी कर लेना है। फिर मैंने अभी चीनी ले ली थी, मेरे पास नॉर्मल चीनी जो हमारे घर में यूज़ होती है, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। मैंने तकरीबन 1 कप ही इसमें ऐड की थी। मैं जो शुगर है वो बराबर की यूज़ करती हूँ, उसमें कम भी यूज़ की जा सकती है। आपने शुगर को पाउडर फॉर्म में ही करके इसमें ऐड करनी है, क्योंकि ये अच्छे से बीट हो जाए, वरना ये अगर थोड़े से भी दाने रह जाते हैं ना तो नीचे से केक लग जाता है। तो साथ ही मैंने इसमें वनीला एसेंस तकरीबन 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया था और मैंने इसको फिर और अच्छे से इसको मैंने बीट किया था। बीट हमने बहुत अच्छे से करना है, लेकिन जब आप अपना फ्लोर ऐड करेंगे इसमें या आपने मिक्सचर ऐड करना है तो फिर आपने इसको बीट नहीं करना है, इसको सिर्फ फोल्ड करना है, अच्छे से आपने मिलाना है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मिला लिया था। तो ऐसे ही आपने 2 से 3 बार में अपना फ्लोर का जो मिक्सचर है वो ऐड करना है। आप डायरेक्ट भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें, लेकिन मैंने इसको पहले ही मिक्सचर बना के रख लिया था क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने इसको साथ ही, फिर मैं थोड़ा सा फूड कलर मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और ऐड कर लिया। फिर ये कि केक जब आपका बेक हो जाता है ना तो इसका जो कलर है वो लाइट हो जाता है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड किए थे अपने ऑयल के, कुकिंग ऑयल मैंने सिंपल यूज़ किया था, आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और भी मुझे थोड़ा सा बटर जो है थोड़ा सा लग रहा था थिक, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच में दूध मिक्स कर दिया था। आप अगर यहाँ पे सिंपल स्पंज बना रहे हैं ऐसे टी केक के लिए जैसे आपने खाने के लिए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे कि आप 1/2 कप, अगर 1 कप का आप अपना केक बना रहे हैं तो उसमें 1/2 कप आप ऑयल या बटर ऐड करेंगे मेल्टेड। और आपने अगर इस पर व्हिपिंग क्रीम यूज़ करनी है, आपने इसको डेकोरेट करना है, तो इसके अंदर आप ऑयल कम रखेंगे क्योंकि स्पंज जो है आराम से कट जाता है, वरना ऑयली थोड़ा ज़्यादा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर मेरे पास नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था घर का बटर पेपर, मतलब सिंपल पेपर लेके मैंने इसमें अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर लिया था। तो मैंने इसको यूज़ किया तो ये बहुत अच्छा वर्क किया था, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपका था। तो ये मैंने पहली बार यूज़ किया और मेरा केक माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। मैं केक जो है पतीले में बनाती हूँ तो ये मेरा केक बहुत अच्छा बन जाता है। और मैं इसका ऊपर से मुझे थोड़ा सा कच्चा लगता है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा ना उल्टा करके मैं इसको कलर देती हूँ। तो खैर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये नीचे गिर जाएगा, मैंने कभी बटर पेपर या कोई पेपर यूज़ किया नहीं है, तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। मैंने इसको उल्टा किया तो ये नीचे बेचारा गिर गया था, तो ये थोड़ा सा लग गया था, लेकिन मैं इसके ऊपर से ही इसकी लेयर हटा दी थी। अगर मैं इसको उल्टा करके नहीं बनाती हूँ तो फिर ये मुझे थोड़ा सा ऊपर से कच्चा कच्चा सा लगता है, मतलब ये थोड़ा सा अगर इसको ठंडा हो जाए ना उसके बाद आप इसको हाथ लगाएं तो ये हाथ पे चिपकता है केक, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो यह मैंने इसको जल्दी से ऊपर से कट कर लिया था, नीचे से भी कट कर लिया था। आपकी शुगर रह जाती है ना, ये आप अच्छे से इसको बीट नहीं करते तो आपके नीचे से केक लग जाता है, तो उसकी केयर आप में इसमें फ्लेवर नहीं आता केक में। तो मैंने उठा दिया था इसमें से ब्लैक ब्लैक जो था। तो ये केक में ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम केक बनाती हूँ क्योंकि केक में ज़्यादा खाता नहीं है। तो कोशिश करती हूँ मैं जब भी हूँ मैं अपने केक बनाऊँ। तो यह मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा बनाता, फिर मैंने इसको कट करना था तो मैंने सोचा इसको थ्रेड की मदद से मैं इसको कट करती हूँ। लेकिन जब मैं इसको कट करने लगी तो फिर ये मुझसे ऐसा लग रहा था कि टूट जाएगा, तो मैंने इसको यहीं पर ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इसको नाइफ से ही कट कर लेती हूँ, तो ये टूट ही रहा था बल्कि ऊपर से, तो मैंने इसको छोड़ दिया बिल्कुल। मैंने कहा चलो मैं नाइफ से ही कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी 3 लेयर्स निकाली थी, और जो है कि आपको है ना थोड़ी सी हाइट चाहिए होती है केक वगैरह कट करने के लिए, तो मैंने जो है ना इसके नीचे कुछ रखा नहीं। मेरे पास जो है प्लेट वगैरह जो सारा टूल्स वगैरह होते हैं कुकिंग के बेकिंग के, वो मेरे पास नहीं है फिलहाल, तो क्योंकि ज़्यादातर केक बनाना मेरा नहीं होता, तो एक कट होने में थोड़ा सा बेचारा ये हो गया था। खैर मैंने जो ऊपर पर जो हिस्सा था मैंने इसको रख लिया था क्रम कोटिंग के लिए, मैं इसको क्रम करके ऊपर से इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो मेरी 3 लेयर आराम से निकल गई थी, तो मैंने इसके क्रम्स बना लिए थे। क्रम्स बना के मैंने इसको साइड पर रख लिया था, मैंने कहा ये ऊपर से डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे काम आ जाएंगे मेरे। तो ये क्रम्स मैंने यहाँ पे रेडी हुए थे, इसको मैंने साइड पर कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने बनाया था अपना जेल, मैंने घर में इसको बनाया था। तो 1 कप पानी में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी। आप कलर जो है इसको पकाने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, और पकाने से पहले मैंने ऐड कर लिया था। आप अगर इसको 2-3 कलर में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको पहले पका लें, उसके बाद आप इसको इसमें कलर ऐड करेंगे, तो ये आपके 3-4 कलर के ही आपके जेल रेडी हो जाएगा। तो इसको आपने बस इसको हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, वरना ये बिल्कुल